नमस्ते दोस्तों, भारतीय गणतंत्र में इलेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। भारतीय गणतंत्र का यह आत्मा कहा जाता है। अलग अलग से चुनाव होते हैं, केंद्र के, राज्य के, स्थानिक पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और ये हर इलेक्शंस में आचार संहिता जारी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर घोलप आपको आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके मायने क्या रहते हैं, कौन जारी करता है, कहाँ पे कंपल्सन रहता है और इसका आदर्श आचार संहिता का पालन कहाँ तक कौन कहाँ करेगा, ये पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो देखिए, भारतीय गणतंत्र को जागतिक स्तर पर अच्छा साबित करने के लिए ये आचार संहिता कैसे हैंडल की जाएगी और ये आचार संहिता में क्या डिटेल्स रहता है। दोस्तों, भारतीय गणतंत्र विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है और इस भारतीय गणतंत्र में सालाना अलग अलग से चुनाव होते हैं। केंद्र के चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, स्थानिक पंचायत के चुनाव होते हैं और इस चुनाव में अलग अलग से नियम जारी किए जाते हैं चुनाव आयोग से। भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिस संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग दिया है। यह चुनाव आयोग नए पक्ष को मान्यता देता है, उनको चिन्ह देता है और अलग अलग से नियम, वोटर्स कार्ड जारी करता है, वोटर के नाम निर्देश लेता है, चुनाव लिस्ट जारी करता है और यही चुनाव आयोग एक आदर्श आचार संहिता भी जारी करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर बापू घोलप आपको विद्यावार्ता की ओर से आदर्श आचार संहिता क्या है, अलग अलग से इलेक्शंस में ये नियम किनको लागू किए जाते हैं, कहाँ लागू किए जाते हैं, ये आदर्श आचार संहिता की छोटी छोटी बारीकियाँ आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अगर आप उम्मीदवार हैं या आप वोटर भी हैं या आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिए और भारतीय गणतंत्र को विश्व स्तर पर बलशाली बनाने के लिए अपनी भी एक कोशिश जारी रखिए। तो चलो आज देखते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है और ये चुनाव आयोग की क्या नीति रहती है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का एक संग्रह है जो चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को और उम्मीदवारों को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधायकों के चुनावों को निगरानी करने को शक्ति देता है। यह चुनाव आयोग ने जारी किए वाली आदर्श आचार संहिता हर एक इलेक्शंस में बहुत कम परसेंट में बदली जाती है या तो एक स्टैंडर्ड नियम रहते हैं। आदर्श आचार संहिता उस तारीख से परिचालित रहती है जिस तारीख से चुनाव की घोषणा की जाती है और आदर्श आचार संहिता उस दिन से अस्तित्व में आता है जब भारतीय चुनाव आयोग ने आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करता है जो कि चुनाव पूरा होने तक लागू रहता है। इसकी डेट फिक्स रहती है, इस तारीख से ये आचार संहिता शुरू होगी और इस तारीख तक ख़त्म होगी और निष्पक्ष चुनाव के आचरण के लिए यूं अनुकूल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए ये विकसित किए गए नियम है। इसके अलावा सभी पार्टियों के लिए एक समान स्तर पर चुनाव लड़ने का अवसर भी ये आदर्श आचार संहिता प्रदान करता है। दोस्तों, आदर्श आचार संहिता कानून द्वारा लागू नहीं है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के लिए कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे अन्य विधियों में संबंधित प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जाता है। अभी जो मैंने ये नियम बताए, ये दंड संहिता के कुछ प्रावधान बताए, इनके अंडर यह आदर्श आचार संहिता जारी की जाती है।
दोस्तों आदर्श आचार संहिता का एक दृश्यमान और कठोर प्रवर्तन चुनाव की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और हितधारकों को मतदाताओं को विश्वास दिलाता है कि ये गणतंत्र विशिष्ट संवैधानिक नियमों से चल रहा है। हालांकि जो सत्ता पे आ रहे हैं, आने वाले हैं, वो कोई भी गैर वर्तन करके नहीं आ रहे हैं। यह आदर्श आचार संहिता सुनिश्चित करती है कि चुनावों की उद्देश्य आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो या किसी अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं हो, मतदाताओं के लिए प्रतिरूपण, रिश्वत और प्रलोभन, मतदाताओं के लिए धमकी और धमकी जैसे चुनावी अपराध, कदाचार और भ्रष्ट प्रथाओं को हर तरह से रोकने के लिए ये आदर्श आचार संहिता जारी की जाती है। आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, ये बिंदु पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ। कल्याणकारी योजना और सरकारी कार्य का निष्पादन, कल्याणकारी योजना और सरकारी कार्य पर प्रचार अभियान, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, हस्तांतरण और पोस्टिंग, राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा रेस्ट हाउस, डाक बंगला और अन्य सरकारी आवास का उपयोग, मंत्रियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दौरों के संबंध में प्रावधान, अधिकाधिक एयरक्राफ्ट, वाहन, झंडे आदि का उपयोग, लाउडस्पीकर का उपयोग, पुस्तिका, पोस्टर और अन्य मीडिया गतिविधियों का मुद्रण। इस संदर्भ में छोटे छोटे नियम जारी किए जाते हैं, कहाँ तक यूज़ करना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए और झंडों का, सभाओं का हिसाब कहाँ से देना चाहिए, मुद्रित जो प्रचार सामग्री रहती है उसका हिसाब देने के लिए भी इसमें प्रावधान किया जाता है। तो चलो देखते हैं पुलिस अधिकारी एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए ये आदर्श आचार संहिता में क्या प्रावधान रहता है। चुनाव की घोषणा के साथ शुरू होने वाले चुनावों की अवधि के दौरान किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए संघ या राज्य का कोई भी मंत्री निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी भी संबंधित अधिकारी को नहीं बुलाएगा, उसको बुला के कोई काम नहीं बताएगा या कोई आदेश नहीं देगा। केवल अपवाद तब होगा जब एक मंत्री संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में अपनी क्षमता में या एक मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी भी आपत्तिक स्थिति के संबंध में एक निर्वाचन क्षेत्र की आधिकारिक यात्रा करता हो, तभी वो गवर्नमेंट ऑफिसर को बुला सकता है। अभी सभाओं के लिए आदर्श आचार संहिता में क्या प्रावधान है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। किसी पार्टी या दल की प्रस्तावित सभा के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को जानकारी होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी दल या पार्टी की सभा के स्थान पर कोई निर्बंधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश तो नहीं है। अगर ऐसा प्रतिबंधात्मक आदेश है तो वहाँ पे सभा नहीं ली जा सकती, पुलिस का परवाना सभा के लिए लेना पड़ता है। प्रस्तावित सभा के लिए दल या पार्टी द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग या अन्य किसी सुविधा के लिए सक्षम अधिकारी ने अनुज्ञा या अनुज्ञापनी प्राप्त की गई है या नहीं, इस स्थानीय पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए। उस सभा में कितने डेसिबल का स्पीकर लगाया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा या कहाँ से रैली निकालेंगे, ये पूरा पुलिस को मालूम रहना चाहिए। सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए तथा आयोजकों से मदद लेना चाहिए। आयोजकों से बातचीत भी की जाती है और पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह 6 से रात 10 बजे के बाद और संबंधित अधिकारी की बिना पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। अब ये 6 से 10 का जो समय हो थोड़ा सा एक दो घंटे कम ज़्यादा भी किया जाता है। भारतीय नागरिक जो हैं, जो अधिवास करते हैं, हॉस्पिटल्स रहते हैं, जो नागरिक सुविधा लेते हैं, उनको डिस्टर्ब न हो इसलिए ये समय की पाबंदी रखी जाती है। अलग अलग चुनाव में ये एक दो घंटा कम ज़्यादा भी हो सकती है।
स्थानीय पुलिस को जुलूस के आयोजन से पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा तथा कहां जाकर समाप्त होगा, तभी वो उस जुलूस को, उस मोर्चा को अपनी प्रोटेक्शन दे सकेंगे। जुलूस के आयोजन स्थान, निकलने वाले मार्ग एवं जुलूस के समाप्ति स्थान तक पुलिस की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन इलाकों से होकर जुलूस जाएगा उसमें से कोई निर्बंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। जब तक समक्ष अधिकारी द्वारा जुलूस के लिए उस रूप से छूट न दी जाए तब तक निर्बंधों का पालन होना चाहिए। अगर कहीं पे बाजार है या पूर्व से ही कहीं पे निर्बंध डाला गया है वहाँ से जुलूस नहीं जा सकता। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा देना भी यह आदर्श आचार संहिता का एक अंश है। आधिकारिक एजेंसियों और अन्य पेशेवर एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किए गए खतरे की धारणाओं के अनुसार सभी मंत्रियों और राजनीतिक दलों के अन्य सभी नेताओं को सुरक्षा की अनुमति दी जाएगी। इन व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बुलेट प्रूफ कारों और अन्य सभी कारों पर व्यय संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा कर्मचारियों पर व्यय संबंधित राज्य सरकार यूटी प्रशासन द्वारा किया जाएगा। अगर हाई प्रोफाइल कोई स्टार प्रचारक है या कोई मंत्रीगण है, उनका जो खर्चा है, उनका वैयक्तिक खर्चा उनके पक्ष के खाते में डाला जाएगा, लेकिन उनके प्रोटेक्शन में जो गवर्नमेंट के ऑफिसर रहते हैं वो खर्चा राज्य सरकार के हिसाब में डाला जाएगा। स्टार प्रचारक द्वारा अभियान को सावधानी से ट्रैक किया जाना चाहिए। CEO, DEO को राजनीतिक दलों के प्रचारकों द्वारा किए गए उल्लंघनों के उदाहरणों को ट्रैक करने के लिए पार्टीवार रजिस्टर बनाना रखना चाहिए। रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में सभी लगाए जाता है ताकि इच्छुक पार्टियां इनपुट ले सकें। अब तो कमीशन आयोग ने एक ऐप भी निकाला है, आप सब भलीभांति जानते हैं। इस ऐप में अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो ये कर सकते हैं आप, या राजनीतिक दलों को अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना है तो वो भी ले सकते हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा भारतीय इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप निकाला है। राज्य गेस्ट हाउस, भवन और सदन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे पार्टी मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और परामर्श। इसके लिए गेस्ट हाउस पे मंत्रीगण या कोई उम्मीदवार नहीं ठहर सकता, वो अपने पर्सनल किसी गेस्ट हाउस में उसकी चर्चा कर सकता है। सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस इत्यादि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा भी आकस्मिक बैठक की अनुमति नहीं है। अतिथि घर में आवंटित व्यक्ति को ले जाने वाला वाहन और व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकतम दो वाहनों को गेस्ट हाउस के परिसर के अंदर अनुमति दी जाएगी, ज़्यादा वाहनों को नहीं दी जाएगी। कमरों के लिए व्यक्ति भी 48 आवर्स से अधिक समय तक उपलब्धि नहीं किया जाएगा। हालांकि किसी भी विशेष क्षेत्र में मतदान के करीब 48 आवर्स पहले मतदान या पुनः मतदान पूरा होने तक इस तरह के आवंटन पर स्थिर हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको ठहरना है तो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में इलेक्शन ड्यूटी के लिए नहीं ठहर सकते। सरकारी अतिथि घरों में आवास दिया जा सकता है जहाँ की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनाव घोषित किया गया है, जिन्हें Z+ श्रेणी द्वारा सुरक्षा दी है, वो आदमी इस आवास में ठहर सकते हैं। अधिकारियों का पर्यवेक्षकों द्वारा अवगंठित कब्जा नहीं किया जा सकता है, उसको भी कुछ शर्तें और रखी है और टर्म्स और कंडीशन के आधार पर ही ये सब पॉइंट दिया गया है। सरकारी गेस्ट हाउस तथा वाहनों का प्रयोग भी इम्पोर्टेंट माना गया है।
स्थानिक प्रशासन गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए चुनाव उम्मीदवारों के साथ लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी की जाती है। CEO राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए वीडियो बैन के लिए परमिट जारी किया जाएगा। एक चक्र रिक्शा भी एक वाहन है, यदि इसे प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है तो व्यय उम्मीदवार के खाते में ये चक्र जो रिक्शा रहता है वो भी डाला जाता है, उसका भी खर्चा पकड़ा जाता है। चुनाव उम्मीदवारों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा चुनाव अभियान में उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों का विवरण प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, जिन्हें विशेष रूप में प्रचार के से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाता है। किसी भी अतिरिक्त वाहन को कोई या तैनाती केवल वाहनों की वास्तविक तैनाती से पहले उम्मीदवारों को या उनके एजेंट द्वारा इस प्रभाव का नोटिस के बाद ही हो सकती है। अगर कोई चुनाव कार्य में वाहन यूज़ किया जा रहा है तो उसका जो है नंबर जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया जाता है, उसका तभी खर्चा पकड़ा जाता है। और इन वाहनों को नोंद रखी जाती है। सरकार द्वारा बिजली या उसके उम्मीदवारों में पार्टी द्वारा एकाधिकार नहीं है किया जाता, उपयोग तरीके से लिए किया जाएगा। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार अभियान के कार्यालय में नहीं जा सकता। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केवल नेटवर्क और FM रेडियो पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। किसी भी प्रसारण से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयोग को अगर कोई ऐड प्रसारित करते हैं या कोई भाषण देते हैं तो वो जिला निर्वाचन आयोग को मालूम होना चाहिए। मीडिया विज्ञापन सहित सभी मुद्रित सामग्री में प्रेस या प्रकाशक का नाम और पता, प्रतियों की संख्या और प्रभावित धनराशि का उल्लेख होना चाहिए। इसे तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा जाता है, जो पर्चे बांटे जाते हैं उस पर आप जानते हैं कि कितनी प्रति मुद्रित की है, किसने मुद्रित की है, कहाँ पे मुद्रित की है, ये भी लिखा वाला रहता है। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के दायरे में ये सब प्रिंट माध्यम जो है, चुनाव के प्रिंट माध्यम ये आते हैं। मुद्रित सामग्री की प्रति और प्रकाशक की ओर से घोषणा प्रिंटर द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाती है। किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारित किए गए सभी विज्ञापन मीडिया प्रमाणन पर निगरानी समिति द्वारा देखा, जांचा और प्रमाणित किया जाना चाहिए। विज्ञापन के प्रमाणीकरण पर शिकायतों में भाग लेने के लिए CEO को भी अपने स्तर पर समिति का गठन करना चाहिए। एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष में पक्ष के खिलाफ या अपने जो मुद्दों हैं और ये मुद्दों पर ऐड बनाता है तो ये क्या ऐड है, कहाँ पे बनाई गई है, कैसी है, ये पहले ही इलेक्शन कमीशन्स के अधिकारियों के मालूम रहता है। दोस्तों, इलेक्शन के संदर्भ में आचार संहिता के कुछ नियम मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये पूरी और डिटेल्स जाननी है तो आप इलेक्शन कमीशन के ऑथराइज्ड वेबसाइट या जहाँ पे जब इलेक्शन जारी हो रहा है तब की अपडेट इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। मैंने केवल यहाँ पे निष्पक्ष होकर और ये एक भारतीय नागरिक होने के कारण हमारे दूसरे मतदाताओं के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है। इसमें कुछ त्रुटियाँ भी रह गई हैं और कुछ नए पॉइंट्स भी इसमें आ सकते हैं। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है।
ये कोई स्टैंडर्ड या गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड फिक्स ऐसा दायरा नहीं रहता है। हर एक इलेक्शन में छोटे छोटे नियम बदलते रहते हैं। तो भी आपको अगर भारतीय गणतंत्र में चौकन्ना रहना है, कोई इलेक्शन जितवाना है या कोई इलेक्शन लड़ना है, मतदान भी करना है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है, तभी हमारी भारतीय गणतंत्र की शान रहेगी और विश्व में हमारा भारत जो है वो शान से खड़ा रहेगा और अपना गणतंत्र टिका रहेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।